मैं दीपांशु डोगरा आपका स्वागत करता हूँ हिमाचल स्टडी के चैनल में। तो मैथ्स के थोड़ा सा डिस्कशन करने जाएंगे, मैथ्स में कौन सा एरिया और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करूँ मैं, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को आयत भी बोलते हैं, ठीक है? इससे रेक्टेंगल से एक्चुअली क्वेश्चन आया था ना पुलिस कांस्टेबल 2017 में, और इसमें भी आया था जेल वाटर 2017 में। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको इससे स्टार्ट करता हूँ कि कैसे डिस्कस करना है। देखो, बेसिक क्या होता है, ये मान लो ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये मतलब लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है? अब ये और ये साइड्स बराबर है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। अब बोला क्या है, अब ये मैं मिटा देता हूँ तुम्हें देखने के लिए, ठीक है? अब बोलो, अगर आपको बोला हो इसका परिमाप, अब तुम्हें ये तो पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और मैं बात करूँ, इसको परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, ठीक है, परिधि भी बोलते हैं। पर ये निकलता कैसे है, देखो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये। अब पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल लेंथ्स, मतलब सम, जो बाउंड्री है ना हमारी, मान लो घर की बाउंड्री है तो उसकी बाउंड्री का पूरी का सम ऐड कर देंगे वो। अब इसकी बाउंड्री क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो मतलब ये वैल्यू एल है, ए बी प्लस बी सी में बी है, सी डी में एल है और ये बी है। ये हम परिमाप निकाल रहे हैं और परिधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये क्या बना, 2 into L, मतलब ये 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है, देखो कंसेप्ट समझो, फॉर्मूले खुद बनते हैं। और दूसरी बात, अगर इसकी एरिया की बात करूं, रेक्टेंगल और इसको आयत भी बोलते हैं, ठीक है, आयत। एरिया और क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक क्वेश्चन आया था 2017 पुलिस कॉन्स्टेबल में, वो डिस्कस करता हूँ, वो देखना कैसे है, उसमें क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, एरियाज और इससे बेस क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि जो प्रॉफिट लॉस उससे क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना। हालांकि जो फिजूल की चीज़ें उन पे टाइम वेस्ट मत करना, इनके क्वेश्चन के कम से कम फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन तुम कर पाओगे, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। एक आयतन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, मान लो चौड़ाई ये बी दी हुई है, मान लो। अब उसकी बोला जो लंबाई है आयत की, कहा गया आयत की लंबाई, आयतन तो वॉल्यूम होता है, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, चौड़ाई क्या है बी, उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये हो गया। और उसकी परिमाप, उसका अगर आयत की परिधि, आयत की परिधि, परिधि पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर जो है वो 126 है सेंटीमीटर, तो आपको आयत की चौड़ाई निकालनी है, तो आपको ये ब्रेड्थ बताना है क्या हुआ। अब देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिखा 2 into लेंथ, लेंथ क्या है बी प्लस 7 प्लस ब्रेड्थ है बी इज इक्वल टू 126, 2 into एक भी दो भी दो भी प्लस 7 इज इक्वल टू 126, ठीक है, 2b प्लस 7। अब यहाँ पे इस साइड देखना, अगर 2 से मैं ये काट दूँ, 2 6 12, 2 3 6, तो 2b प्लस 7 इज इक्वल टू 63, 2b इज इक्वल टू 63 माइनस 7, 2b इज इक्वल टू 56, 4 3 7, बिल्कुल सही। और b आ गया आपका 56/2, जो कि 2 4 8 1 2 8, 28 सेंटीमीटर, और यही निकालना था आपको। तो अगर क्वेश्चन की समझ होगी, फॉर्मूला पता होगा, तो क्वेश्चन निकल गया। अगर मैं बात करूं लेंथ भी निकाल लो, तो 28 प्लस 7, 28 में 7 डालें 35 लेंथ होगी और ब्रेथ आगी 28। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको आगे भी, जैसे आपको मान लो, ये तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना, मान लो स्क्वेयर दिया होगा, अगर आपको स्क्वेयर दिया होगा, स्क्वेयर होता है वर्ग, ठीक है, वर्ग की सारी साइड्स बराबर होती हैं,
ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर। अब मैंने पेरीमीटर बताया ना आपको, परिधि कैसे निकालते हैं, सब साइड्स का सम, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जो कि 4a, यही फॉर्मूला होता है इसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। और अगर एरिया की बात करूं तो मैंने किया था उसमें आयत में किया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अब इसमें लेंथ क्या है, एरिया की बात करूं इसमें एरिया क्या है, लेंथ क्या है a, इनटू ब्रेड्थ क्या है, ये भी a है, तो ए स्क्वायर जो कि साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले कोई रटने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज यहाँ पे दी होती है, ठीक है। और अगर इसी से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको तो ये हो गया, और ये हो गया, और डायगनल डायगनल भी होता है इसका, अगर ये डायगनल है, डायगनल को वृत्तीय बोलते हैं आई थिंक सो, ठीक है। तो डायगनल का फॉर्मूला डायगनल भी निकाल सकते हैं, मान लो ये डायगनल है, ये डायगनल है डी है, तो डी क्या निकलेगा आपको पता है, पाइथागोरस लगा दो, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर होता है ना, ये एच स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर, और डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए। डायगनल ऑफ ए स्क्वेयर इज साइड, साइड क्या है ए रूट टू, ये सब फॉर्मूले देखो कैसे निकल रहे हैं, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे बेस्ड आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा एरिया का। आगे मैं सर्कल, स्फेयर और जो सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं, ठीक है, शंकु जो आपका कोन होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी छोटी सी वीडियो, ताकि समझ अच्छी ढंग से आ जाए, ज़्यादा मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो उससे आपको मुश्किल होगी, तो अच्छे से समझ आना चाहिए, मेन बात वो है। क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिया प्रीवियस है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।